इनसाइड ब्रैकेट टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। इससे क्या लिखे मतलब पहले ब्रैकेट ऊपर कर देते हैं तो हमें मिलेगा ए एक्स कॉस एक्स टेन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए एक्स कॉस एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स डी एक्स, है ना। तो देखिए जो है इसमें टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स होगा ना, ठीक है। और a रेट पर s का डिफरेंशिएशन a रेट पर x रहेगा, हां। तो मतलब एक टर्म में दूसरे का डिफरेंशिएशन है, ये क्या है बताओ, इसका डिफरेंशिएशन है ना। तो इसमें क्या करेंगे मतलब एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक टर्म को इंटीग्रेट किया जाए दूसरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जो एक फंक्शन है जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको आई डी जी कॉपी कर लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, इस पर आई लेट कर देगा, आई लेट है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल आपका सेकेंड होगा ना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकेंड, ठीक है। तो देखा रेस्ट ऑफ कॉस तो टेन ऑफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई एफ डी एक्स हो जाएगा माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई रेट कॉस एक्स लॉग सेकेंड डी एक्स। तो चले अभी क्या हो जाएगा तो ये टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा ना, ई रेट फॉर एक्स हो जाएगा माइनस ई रेट फॉर एक्स यू गेट लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स प्लस ई रेट फॉर एक्स लॉग सेक एक्स डी एक्स, ये से कट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका a रेट कॉस एक्स टेन ऑफ एक्स और प्लस ये आंसर, ठीक है। चलिए तो हम क्या देखेंगे, इस समय में एक टर्म का इंटीग्रेशन किया जाता है, दूसरा टर्म का ऑटोमेटिक probability is
same thing.